कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वक्त सुबह का टाइम हो रहा था और हम आ गए थे किचन में, और किचन में हमें बनाना था जीरा फ्राई चावल और आलू और चना का सब्जी। तो यहाँ पे आलू को उबालने के लिए चढ़ा दिए थे उबलने के लिए, और यहाँ पे चाय भी बनाना था, तो वही चाय बना रहे थे और यहाँ पे चाय को भी चढ़ा दिए थे, और थोड़ा सा बाबू के लिए दूध निकाल दिए थे उसको पिलाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चाय बन रहा था, तो इसमें हम क्या बोलते हैं तेज़पात और चाय पत्ती और चीनी वगैरह डाल दिए थे। वो दिखा नहीं पाए थे क्योंकि कैमरा ऑन नहीं किए थे। और यहाँ पे दो तीन इलायची डाल रहे थे, और हमारी चाय देख सकते हैं बन ही चुका था, उबल रहा है कैसे। और चाय बनाने के बाद मतलब सबको देना था, तो सबको दे दिए थे। यहाँ पे हमारा चाय बन गया था, तो आइए और आप सब भी चाय पी लीजिए। और यहाँ पे हम चाय निकाल रहे थे सबको देने के लिए। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में एंड तक, और अगर आप सबको हमारा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे फुआ का लड़का है, वही आया था, तो उसी से यहाँ पे देखिए ये वाला प्याज और फ्राई करके चावल बना रहे हैं जीरा फ्राई। तो यहाँ प्याज है, मिर्च है दो तीन, और यहाँ पे जीरा, और यहाँ पे दालचीनी, इलायची और लौंग, और यहाँ पे तेजपात, और यहाँ पे लहसुन है दो चार, और इसको फ्राई मतलब भूज करके और फिर से चावल डालकर यहाँ पे लहसुन था ना, उसको कट नहीं किए थे, थोड़ा सा कट कर दे रहे थे बीच बीच में से, तो वही कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा भाई था ना, वही मतलब कुछ कुछ बोल रहा था और आकर झाँक रहा था, तो फुआ का लड़का था वही, तो वही बोल रहा था कि कैसे झाँक रहा है। और यहाँ पे हमारा कुकर में बना रहे थे, और यहाँ पे हमारा कुकर गर्म हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल देंगे, और वो जो जीरा रखे थे, जीरा और तेजपात और दो तीन खड़ा मिर्च था, सूखा मिर्च और प्याज था, उसको अच्छा से भून देंगे, और जो आप सबको आगे दिखाए ही थे, तो इसको अच्छा से भून करके, और चावल को हम धोकर रखे थे, तो इसको अच्छा से, और इसको भूनने के बाद चावल को जो धोकर रखे थे उसको डाल देंगे इसमें चावल। और यहाँ पे हमारा भाई जो वही शूट कर रहा था, इधर उधर कर रहा था, और यहाँ पे हमारा चावल को डाल दिए थे, और यहाँ पे हमारे चावल धोकर रखे थे तो ऐसे ही डाल रहे थे, और इसको डाल करके अच्छा से मिक्स कर लेंगे मतलब। उसके बाद इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही भून, थोड़ा सा ही एक मिनट तक भून देंगे। और भूनने के बाद यहाँ पे हमारा पूरा चावल डाल दिए थे, और भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे मतलब जितना में कि चावल बन जाए अच्छा से। तो यहाँ पे हमारा चावल डाल दिए थे और अच्छा से भून देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें हम क्या बोलते हैं पानी को गर्म करके रखें। यहाँ पे हमारा पानी था जो गर्म हो गया था, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे जितना पानी चाहिए कि जितना हमें चावल बन जाए उतना पानी इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें बहुत कुछ डालते हैं लेकिन हमारे यहाँ बस इतना ही, और कुछ डालने पर कोई खाएंगे ही नहीं, तो इतना ही डालने पर सबको अच्छा लगता है, सब खाते भी हैं अच्छा से। तो यहाँ पे हमारा चावल है जो उसमें पानी डाल दिए थे जितना चाहिए उतना, और यहाँ पे इसको अब कुकर बंद कर देंगे, और यहाँ पे चावल को थोड़ा सा चला दिए थे, और यहाँ पे पानी को मतलब देख रहे थे कितना पानी है मतलब ठीक है या नहीं, तो हमारा पानी है जो ठीक था, तो इसको बंद कर देंगे, और एक सीटी लगेगा तो हम इसको उतार देंगे, तो हमारा चावल बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा सब्जी के लिए प्याज, और यहाँ पे आलू उबल, हमारा आलू जो है उबला गया था, और यहाँ पे प्याज, मिर्च, तेजपात, और यहाँ पे चना, और इसी का सब्जी बनाना था। तो यहाँ पे हम सब्जी बना रहे थे, तो यहाँ पे हमारा कढ़ाई है जो गर्म हो गया था, इसमें ऑयल थोड़ा सा देंगे, और फिर से इसमें जीरा दिए थे, और तेजपात का जो पत्ता था उसको देंगे, और हरा मिर्च डाले थे, और सूखा मिर्च सिर्फ थोड़ा सा डालेंगे वो कलर वाला जो होता है वही, और यहाँ पे हरा मिर्च डाल दिए थे। और उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जो हमारा प्याज है उसको दे देंगे उसमें, और
यहाँ पे हम मसाला को मतलब उतार रहे थे मसाला डालने के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो प्याज था उसको भी दे दिए थे और इसको भून करके, और यहाँ पे मसाला था हम लोग का, थोड़ा सा मसाला भी पीसे थे जो जिसमें जीरा लहसुन और जीरा था और लहसुन था और दो इलायची था, और मसाला था जो पीसा हुआ पहले से था तो वही, इसलिए उतना ही पीसे थे। और यहाँ पे थोड़ा सा आलू को मैश कर दे रहे थे और इसको अच्छा से भून लेंगे, और भूनने के बाद जो मसाला हम पीस कर रखे थे यहाँ पे उसको ऐड कर दिए थे, और उसके बाद जो मसाला हमारा पहले से है पीसा हुआ उसमें धनिया था तो धनिया डाले थे, धनिया पाउडर, और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर था वो जो कलर वाला होता है वही था तो वही डाल रहे थे, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी देंगे और हल्दी नमक, और इसको हल्दी नमक यहाँ पे हल्दी दे रहे थे, हल्दी नमक डाल करके फिर इसको थोड़ा सा पानी डाल, यहाँ पे थोड़ा सा पानी दे देंगे ये मसाला अच्छा से पक जाए तो वही दिए थे, और यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मतलब ऐड कर रहे थे, और उसके बाद इसको ढक देंगे, और उसके बाद थोड़ी मतलब 2-3 मिनट तक पकाएंगे मसाला को अच्छा से, और पक जाएगा तो उसमें हम दे देंगे चना जो है ना उसको, तो यहाँ पे मसाला जो हमारा पक गया था इसमें चना को डाल दिए थे, और चना को थोड़ी देर तक पकने देंगे 2 मिनट तक, और जब अच्छा से चना पक जाएगा तब जो आलू मैश करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे, और यहाँ पे आलू जो मैश करके रखे थे उसको डाल दिए थे, और डालने के बाद इसको अच्छा से भून लेंगे 1-2 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे मतलब जितना ग्रेवी चाहिए उतना, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सब्ज़ी कितना अच्छा दिख रहा था और टेस्टी भी दिख रहा था और बहुत टेस्टी भी हुआ था, सभी लोग बोल रहे थे चावल और सब्ज़ी बहुत अच्छा हुआ था। तो आप सब बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है देखने में भी, क्या बताना आप लोग कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हम पानी ऐड कर दिए थे लेकिन थोड़ा सा और पानी ऐड करना था, तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा और पानी ऐड किए थे, और तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में एंड तक। तो आप सब बताना आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आता होगा थोड़ा सा भी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे हमारा चावल है जो बन गया था, आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा चावल बना था, यहाँ पे देख सकते हैं चावल निकाल रहे थे क्योंकि सबके लिए थोड़ा लेट हो गया था बनाने में, तो इसीलिए सबके लिए पहले चावल निकाल दिए थे उसके बाद सब्जी निकाले थे, तो यहाँ पे चावल निकाल रहे थे। तो आप सब बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, चावल कैसा दिख रहा था, वैसे बहुत टेस्टी हुआ था सब कुछ चावल और सब्जी दोनों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और क्या बोलते हैं ना, सब्जी है जो बन गया था, और आप सब बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, और यहाँ पे हमारा सब्जी उसको बंद कर दिए थे और यहाँ पे चावल निकाल कर रखे थे तो उसमें हम सब्जी निकालना था सबको देने के लिए, तो आप लोग भी आइए और खा लीजिए यहाँ पे चावल और सब्जी हमारा, और यहाँ पे दही था तो दही से भी खाना था और भूल गए थे देना, तो फिर बाद में देखे तो दे रहे थे दही, तो चावल सब्जी और दही आप लोग भी आइए और खा लीजिए, वैसे सबको बहुत टेस्टी लगता है दही चावल सब्जी, तो उतना हम नहीं खाते हैं दही वगैरह। मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वक्त सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 10 बज रहा है, और हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है, और जहाँ बाबू को नहला भी दिए हैं, जाते हैं देखते हैं कि क्या मतलब क्या कर रहा है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और तो मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में, और कमेंट करके बताइएगा आप सब कैसे हैं, और तो जाते हैं नीचे में देखते हैं कि बाबू क्या कर रहा है, और तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में, और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आते होंगे तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, फिर मिलते हैं आप सबसे, दिखाते हैं बाबू को। तो यहाँ पे देखिए बाबू तैयार हो गया है, क्या कर रहा है, हेलो बोलो, हेलो बाबू, बाबू
ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।